प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की थी। बातचीत का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। हमने आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति एक दूसरे से तस्वीरों में बात करते हुए नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत तक दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। लेकिन सवाल ये था कि दोनों नेताओं के बीच में बात क्या हुई, किस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संक्षिप्त बातचीत में पीएम मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव का मुद्दा उठाया था। भारत के विदेश सचिव ने पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समापन पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाकी नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंता को व्यक्त किया। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने भी सीमा पर विवाद को लेकर बोला। मंत्रालय से जब पूछा गया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान क्या भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, तो चीन ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा चीन भारत संबंधों और साझा हित के अन्य सवालों पर स्पष्ट और गहन विचारों को लेकर बातचीत की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हित को पूरा करता है और दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए जरूरी है। दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों के हित को ध्यान में रखना चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति की रक्षा की जा सके। सवाल के जवाब में बयान जारी करते हुए बताया गया कि राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हित को पूरा करता है, दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी जरूरी है। हालांकि इस बातचीत को लेकर भारत की तरफ से बयान में बताया गया कि भारत भी शांति चाहता है, विवाद पर भारत की चिंताओं को खत्म करने के लिए चीन की तरह बातचीत चाहता है। बता दें, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब कुछ ही दिन में दिल्ली में G20 समिट होना है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में गलवान हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये दूसरी अनौपचारिक बातचीत थी। इससे पहले दोनों नेता इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर भी जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।